राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, संसद लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर जनता से जुड़े जो तमाम अहम मुद्दे हो, और जब मणिपुर जैसा संवेदनशील मुद्दा सामने आ जाता है तो सदन में इस पर चर्चा संवाद होना जरूरी है। खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि जिस तरह से सदन में व्यवधान लगातार आ रहे हैं, गरिमा यहां संसद की घट रही है, जनता इसे कैसे देख रही है? और दूसरा ये, क्या अब आपको लगता है जब विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरा करके लौटा है और उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज इस मामले में होनी है, तो मणिपुर मुद्दा ये कुछ नई दशो दिशा में जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये तो सोशल मीडिया की ताकत है कि वो वीडियो जब सतह पर आया जुलाई के तीसरे हफ्ते में, तब सरकार भी दबाव में आई और तब विपक्ष भी ज़्यादा हमलावर हुआ और मणिपुर राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन गया। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मणिपुर की चर्चा होने लगी। मई जून जुलाई के तीन हफ्ते मणिपुर के हालात मई में बहुत ही ख़राब थे, लेकिन उस समय उसकी चर्चा उतनी नहीं हुई सरकार के स्तर पर भी, और चीज़ें बहुत स्तर तक दबी रह गईं। जो मणिपुर के लोग थे वही समझ रहे थे कि उस वहाँ क्या हो रहा है। अब जब ये मानना पड़ेगा कि मणिपुर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, तो निश्चित तौर पर सरकार पर भी दबाव है। और ये संसद जो आपने कहा लोकतंत्र का मंदिर है, ये उसकी वजह लोकतंत्र का मंदिर है, और इसीलिए वहाँ संसद में जो हंगामा हुआ, संसद में जो लगातार व्यवधान हो रहा है, संसद में जो कार्रवाई आप देख रही हैं, उसकी वजह से दोनों तरफ से ये स्थितियाँ हुई हैं कि जब संसद की कार्रवाई दो दिन नहीं थी तो 21 विपक्षी दलों के लोग मणिपुर गए थे वहाँ ज़मीनी हालात का जायजा लेने के लिए, लेकिन सरकारी सुरक्षा में गए विपक्षी दल के सांसद वहाँ पीड़ितों से या असली हाल जान पाने में कितना कामयाब हुए होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पहले ही आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के बाद जब तक स्पीकर उस पर फैसला नहीं करते हैं तब तक वैसे तो नियम है कि विधायी कार्य दूसरे नहीं होने चाहिए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली का जो अध्यादेश वाला मामला है उसको पेश कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये दो चीज़ों की वजह से सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं। आज जो सोमवार है वो सियासत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार बार बार ये दिखाने की और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, और सारा का सारा जो है दोष विपक्ष का है कि वो संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, जबकि विपक्ष लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर तो मुंह खोले नहीं कभी, जब खोले तो उसको राजस्थान और झारखंड और कौन कौन स्टेट से जोड़ दिया, प्रधानमंत्री को इस मामले में आकर के बोलना चाहिए। मुझे लगता है जैसे संजीव जी कह रहे थे, आज भी संसद के जो सत्र हैं उसमें हंगामा ही हंगामा होगा, और जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर फैसला नहीं करेंगे तब तक ये हंगामा रुकने वाला नहीं है लोकसभा में। जी ठीक है संजीव, ठीक है राजीव, बिल्कुल आगे भी हमें इसी तरह की जो है तस्वीर आज दिखाई दे सकते हैं, यानी आज भी संसद के हंगामेदार होने के पूरे पूरे आसार हैं। मैं राजनीतिक मेहमानों